हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बीपीएससी लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, उसका सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन का मैं आपको ब्रीफ में सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का, दैट इज 31st क्वेश्चन। दूसरे जो सेट्स होंगे उसमें क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकता है, सो कन्फ्यूज ना हो। यू कैन मैच योर आंसर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन which I am explaining. So the terms P by rho V square by 2G plus Z used in the Bernoulli's equations are, इसमें जो P by rho है basically, ये this is rho G, P by rho G, ये head के forms में expressed है। तो पहला parameter is known as pressure head, second parameter because it is in kinetic energy form, it is a velocity head, and this is in the datum head form, so it is a velocity, so it is a potential head. तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर होगा। रियल फ्लूड के फ्लो में इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉर अ वेरीड फ्लो, वेरीड फ्लो हमारे आपके रैपिडली वेरीड फ्लो हो सकते हैं या ग्रेजुअली वेरीड फ्लो हो सकते हैं। इन दोनों फ्लो के केस में जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है हमसे कि एक टैंक है जो कि एक ट्रॉली पर रखा है और टैंक हमारा फुल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पिक्टोरियली समझ लेते हैं कि हमारे पास एक टैंक है जो कि 21 मीटर हाइट का है, जो कि फुल है, बेसिकली दिस इज द फुल हाइट ऑफ द टैंक। और यहाँ बॉटम से 1 मीटर पे एक हमारा ऑरिफिस है, ठीक है। तो जैसे ही ऑरिफिस ओपन करेंगे देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर, एंड जैसे ही पानी निकलेगा देयर विल बी अ प्रोपेलिंग फोर्स एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एफ फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, तो दिस एफ फोर्स इज गिवन बाय रो ए वी स्क्वायर। ए इज द एरिया ऑफ ऑरिफिस, एरिया ऑफ ऑरिफिस आपका 1 cm² दिया है, और वी जो वेलोसिटी है दैट इज डिटरमाइंड बाय इक्वेशन वी इज इक्वल टू सी वी रूट टू जी एच। तो रूट टू जी एच में जो सी वी है, सी वी हमारा कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज है जो कि यहाँ पे 0.6 दिया हुआ है। जो हेड है दिस इज बेसिकली दिस हेड, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे समझ लें दिस इज बेसिकली दिस हेड अबव द सेंटर ऑफ दिस ऑरिफिस, तो हमारा हेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 - 1, तो हमारा 20 मीटर हेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0.6 रूट जी आपको 10 लेना है, एच हमारा 20 हो गया, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, इसको 0.6 से भी आपको ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इट विल कम एज, सॉरी ये आपका 20 हो जाएगा, 20 × 0.6 यानी ये आपका 400 हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम एज 12 मीटर पर सेकेंड। 12 की वैल्यू यहाँ पे आप रख दोगे, रो की वैल्यू 1000 हो गई, एरिया 1 cm² हो गया, तो 10^4 से डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी आपकी 12 का स्क्वायर हो गई। इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 14.4 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमारा जो चेजीज कॉफिशियंट है उसकी डायमेंशंस पूछी गई हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट ऑफ 8g/f, f हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है विच इज बेसिकली डायमेंशनलेस। तो हमारी जो पैरामीटर्स होंगे इट विल बी अ फंक्शन ऑफ जी, जी आपका यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, तो मीटर इज एक्सप्रेस्ड एज एल, टाइम हमारा सेकेंड इज इन टाइम t^2, तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट में आ गया बिकॉज जी इज अंडर स्क्वायर रूट, तो l^1/2 t^-1। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ प्रेशर जो है इट इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर को आप लिख सकते हो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज yc Ig/AyC, ठीक है। तो ये पैरामीटर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो
तो इसकी वजह से हमारा जो वाई सेंटर ऑफ प्रेशर है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती है सेंटर ऑफ प्रेशर शिफ्ट टूवर्ड्स द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन सर्फेस। ठीक है, ये अगर मान लें यहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड है और ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है, तो जैसे जैसे हमारा डेप्थ आप बढ़ाते जाओगे तो ये जो गैप है ये वाला पैरामीटर आपका रिड्यूस होता जाएगा, तो हमारा इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन सर्फेस। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम फंक्शन हमारा दिया हुआ है, वेलोसिटी पोटेंशियल आपका है वो निकल कर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, आपको सिंपली इक्वेशंस यूज करनी है, डेल शाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, ये इक्वेशन यूज करके आप निकाल लोगे। द क्योरिंग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ओपीसी इज लेस देन, ठीक है, जनरली ओपीसी की जो सेटिंग टाइम है वो हमारा ज्यादा होता है, सॉरी लेस होता है, ओपीसी का सेटिंग टाइम जो है वो लेस होता है पीपीसी के रेस्पेक्ट में, इस वजह से इसको जो क्योरिंग है वो कम जरूरत पड़ती है। जनरली हमारा अगर ओपीसी से आप कंक्रीट बना रहे हो तो उसको आपको 7 डेज क्योरिंग करनी पड़ेगी, और सिमिलरली पीपीसी के लिए आपको 10 डेज की क्योरिंग चाहिए बिकॉज उसका सेटिंग टाइम ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% ऑफ द एटमोसफेयर का जो मास है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में हमारी 0.7 माइक्रोन से 14 माइक्रोन में लाइक करती हैं। यहाँ पे जो एक सेटअप दिया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स क्लियर नहीं हो रहे हैं कि सी कौन सा पैरामीटर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर असेस करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इट हैज इनसफिशियंट डाटा इन पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएस 800 के हिसाब से स्टील की प्रॉपर्टीज में जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पर ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है और टेस्ट सीरीज में भी आपको बताया था, कि टेस्ट का क्वेश्चन है बेसिकली, जहाँ पर ये 6 दिख रहा है ये बेसिकली -6 है, थर्मल कोफिशिएंट होता है इट इज एक्सप्रेस्ड एज 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, बाकी सारे पैरामीटर्स जो दिए हैं वो सही हैं, तो हमारा 2, 3, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आईएस 800 के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, जहाँ पे सेस्मिक और विंड फोर्सेस को नहीं कंसीडर किया गया है, तो 180 हमारा मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज एक्सप्रेस्ड एज आर एच अपॉन कैपिटल एच, एच हमारा रेडियल डिस्टेंस हो गया प्रिंसिपल पॉइंट से, एच हमारा हो गया डेटम का से एलिवेशन, और एच हमारा हो गया फ्लाइंग हाइट। तो हाइट डिस्प्लेसमेंट जो है इंक्रीजेस एज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है, तो यानी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो स्टेटमेंट ए सही हो गया, इंक्रीजेस एज द ग्राउंड एलिवेशन डिक्रीजेस, अब बिकॉज डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, तो अगर हमारा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एच, तो स्मॉल एच बोल रहा है कि हमारा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा ए भी डिक्रीज होगा, तो ये गलत हो गया। डिक्रीजेस एज द फ्लाइंग हाइट डिक्रीजेस, फ्लाइंग हाइट आप बढ़ाओगे घटाओगे फ्लाइंग हाइट डिक्रीज करोगे तो ये हमारी जो पैरामीटर है ये बढ़ेगी, तो ये गलत हो गया, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए गलत सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, में हमारा जो डिस्टेंस है इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन बेसिकली रिमोट सेंसिंग में हम इसका सिग्निफिकेंटली यूज करते हैं, टोन हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, पैटर्न हो गया, टेक्सचर हो गया, शैडो हो गया एंड एसोसिएशन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ए और बी दो टावर्स हैं डायग्रामेट्रिकली अपोजिट है, एक नैडिर पॉइंट से 3 किलोमीटर है, यानी दिस इज द रेडियल डिस्टेंस R1 एंड दिस इज द रेडियल डिस्टेंस 2, बिकॉज R1 जो है वो R2 से कम है और हमारा जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस है, तो हाई डिस्प्लेसमेंट पहले वाले ए के लिए कम होगी बी के लिए ज्यादा होगी, तो हाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी लेस देन दैट ऑफ बी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सीडेंटल एरर्स जो हैं ये हमारी डेफिनेट मैथमेटिकल लॉ फॉलो नहीं करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दे कैन बी रिमूव बाई अप्लाइंग करेक्शन टू, ये हम अप्लाई करके रिमूव नहीं कर सकते, दे आर जनरली स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती हैं,
एल्सो नोन एज, इनको क्यूमुलेटिव की जाए कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं, आप ध्यान रखना कंपनसेटिंग एरर्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लिविंग वेजिटेशन जो है अपीयर्स में वो हमारा रेड कलर का होता है, ऑप्शन बी डी विल बी कलर्ड। हमारा जो डेड वेजिटेशन है वो हमारा ब्लू कलर का होता है। जितना लाइव वेजिटेशन होगा उतना ज्यादा डार्क कलर आएगा रिमोट सेंसिंग में, फॉल्स कलर इमेजेस में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हमें रेफरेंसिंग के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, 3 आंसर करेक्ट होगा। कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस में हमारा बेसिकली इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है, तो कोप्लानर सिस्टम में सिग्मा एफ एक्स जीरो ले लो, सिग्मा एफ वाई जीरो ले लो, और आपके एम ए और एम बी के अबाउट मोमेंट ऑफ जीरो ले लो। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनेंगी, सिग्मा एफ एक्स आप जीरो करोगे, सिग्मा एफ एक्स करोगे तो एफ वन एफ टू के बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई आप करोगे तो पी इज इक्वल टू टू पी प्लस एफ थ्री हो जाएगा, एफ थ्री आप निकालोगे यहाँ से तो माइनस पी आ जाएगा। माइनस पी का मतलब है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, माइनस पी का मतलब हो गया इसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके अपोजिट में एक्चुअल में इक्विलिब्रियम के लिए होना चाहिए। तो माइनस पी होगा जो एफ थ्री होगा वो अपवर्ड में होगा, ठीक है। अब बचा हमारा एफ टू पैरामीटर पूछ रहा है, तो एफ टू के लिए आपको एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और लिखनी होगी। तो विल टेक बेंडिंग मोमेंट एम ए इक्वल टू जीरो, जिसको आप सॉल्व करोगे तो टू पी इंटू टेन आ जाएगा, प्लस एफ थ्री इंटू ट्वेंटी प्लस एफ टू इंटू फिफ्टीन, ये इक्वेशन बनेगी। इसको एफ थ्री को आप माइनस पी से रिप्लेस कर दोगे तो यू विल गेट एफ टू इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन आईएस कोड रिकमेंडेशंस द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ टी बीम इज। तो आईएस कोड के हिसाब से हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज विड्थ बीम बनेगी ये बनेगी। द बॉन्ड फेलियर जो है ये हमारे तीनों मैकेनिज्म जो दिए हुए हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, फेलियर ऑफ एडेशन बिटवीन कॉन्क्रीट और रेनफोर्समेंट, और जो रिब्स डिफॉर्म्ड बार्स की जो रिब्स हैं उसमें कंक्रीट का क्रश हो जाना, इसकी वजह से भी हमारा बॉन्ड फेलियर हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स की बात कर रहा है। तो स्ट्रिप्स जब हम 90 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं तो उसका जो मिनिमम डायमीटर होना चाहिए खुद के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, और कर्व के बाद उसकी डेवलपमेंट लेंथ 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। 135 डिग्री पर जब आप बेंड कर रहे हो तो मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए 6 टाइम्स द डायमीटर बार होनी चाहिए, और 180 डिग्री पे बेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार होनी चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी अपने आई एस 456 के कोडल प्रोविजंस में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन रेफर दैट। तो इसमें सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस स्लैब दिया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ ओवरऑल डेप्थ पूछ रहा है हमसे और इफेक्टिव थिकनेस दी हुई है स्लैब की, और ओवरऑल डेप्थ इफेक्टिव थिकनेस का वी कैन से कि इट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें डिजाइन डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो वी हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस। तो यू कैन सी कि हमारा जो एल वाई डायमेंशन है वो 10 मीटर है और एल एक्स जो है वो सेंटर टू सेंटर ऑलरेडी 4 मीटर दिया हुआ है। तो एल वाई और एल एक्स का जो रेशियो 2 मीटर से ज़्यादा है तो ये कॉन्टिन्यूस वन वे स्लैब हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा हमारी थिकनेस ऑफ ये दी नहीं हुई है, तो वी विल अज्यूम कि हमारा सेंटर टू सेंटर जो सपोर्ट के बीच की दूरी है प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हमारी 0.14 इनिशियली दी हुई है, तो विल अज्यूम दैट। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आप डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं डब्ल्यू एल ई स्क्वायर बाई 8, ये आपको पता है, ठीक है। तो एम जो है ये बेसिकली क्या है, बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बीम, 1 मीटर स्पैन का हम बीम ले लेंगे और उसके लिए डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें लोड चाहिए, डेड लोड प्लस लाइव लोड और फिनिश लोड। तो डेड लोड हमारा हो जाएगा 25 किलो न्यूटन मीटर क्यूब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इफेक्टिव डेप्थ अज्यूम कर लेते हैं 0.14 है और 1 मीटर विड्थ, लाइव लोड ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, सरफेस फिनिश दिया हुआ है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे और इसको फैक्टर्ड लोड निकालोगे तो हमारा फैक्टर्ड लोड जो आएगा दैट विल कम अराउंड 8 12.75,
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लोड हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट आप निकालोगे डिजाइन के लिए तो 12.75 इंटू इफेक्टिव हमारा 4.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 21.85 किलो न्यूटन मीटर। इसको आप सॉल्व कर लोगे बेसिकली, यहाँ पे MD जो है ये आपका R BD स्क्वायर हो जाएगा, और ये R की वैल्यू हम यहाँ पे ये 1.25 जो फैक्टर दिया है दिस इज बेसिकली 1.25 B 1 मीटर ले लोगे। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद ये हमारा बेसिकली आ रहा है 21.85, तो R की वैल्यू के बाद आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू है दिस इज 21.85 इज डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डी इज इक्वल टू 149 एमएम के आसपास आएगा। ठीक है, तो इट विल कम अराउंड 150 एमएम हमें डिजाइन डेप्थ चाहिए जो हमारे पर लोड आ रहा है। अब इसमें हमारा मिनिमम कवर हो जाएगा, मिनिमम मॉडरेट एक्सपोजर में ले लें 20 एमएम, और हम 10 एमएम का डायमीटर ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ से इसका 5 एमएम हो गया और क्लियर कवर 20 एमएम ले लिया, तो 25 एमएम अगर होता है तो इट विल कम अराउंड 175 एमएम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मैच आउट कर रहा है, तो वी कैन अज्यूम जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम इज ऑफ स्क्वायर सेक्शन, साइड बी दी हुई है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम इज इक्वल टू सिग्मा जेड का फॉर्मूला यूज करोगे, हमारी स्क्वायर बीम है और एक बार हमने इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल उस पर डायमेंशन आ गई। अगर ये आपने ए अज्यूम किया था तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सेक्शन मॉडुलस का जो रेशियो है दैट विल कम एज रूट टू, तो जो बेंडिंग मोमेंट का रेशियो है फॉर कैरिंग द सेम बेंडिंग स्ट्रेस वो रेशियो रूट टू निकल कर आ जाता है। ठीक है, सिंपली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कंसेप्ट लगाना है और जो मैक्सिमम दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से उसे डिवाइड करना है। तो इस पर मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। एक रेक्टेंगुलर चैनल है हमारे पास और एक ट्रायंगुलर चैनल है, इसकी टॉप विड्थ T1 है, इसकी T2 है, इसकी डेप्थ Y1 है, इसकी हमारी Y2 है। अब हमें फ्राउड्स नंबर पता है, इट इज V1 अपॉन रूट G A1 बाई T1, ये हमारी इन जनरल फ्राउड नंबर की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर बोल रहा है A1 अपॉन T1, तो रेक्टेंगुलर के लिए हमारी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, G Y1 हो जाएगी, और ट्राइंगल के लिए हमारी F2 जो होगी वो कितनी होगी, V2 अपॉन G A2 कितना हो जाएगा, हाफ T2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा A2, तो T2 Y2 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये यानी 2V2 अपॉन G T2। तो ये जो वैल्यूज हैं बिकॉज यहाँ पे सेम डेप्थ ऑफ फ्लो है, सेम टॉप विड्थ है, सेम एवरेज वेलोसिटी, तो ये पैरामीटर सेम हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा ना, 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो F2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ F1 है, और F2 जो दिया है यानी ट्राइंगल के लिए जो हमारा फ्राउड नंबर दिया है वो ऑलरेडी रूट 2 दिया हुआ है, तो रूट 2 इक्वल टू रूट 2 F1, F1 हमारा रेक्टेंगल का फ्राउड नंबर था, तो इट विल कम एज 1। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोग्राफ के अजम्पशन पे, यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए तो आप सभी ने पढ़ रखा है टाइम इनवेरियंस और लीनियर रिस्पॉन्स हमारे इसके अजम्पशंस होते हैं। पोरेसिटी जो है बेसिकली 50% दी हुई है, यानी n की वैल्यू 50% दी है, तो e की वैल्यू आपकी n अपॉन 1 माइनस n से निकल आएगी, सिंपल, तो इट विल कम एज 1। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो gs माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e होता है, तो 1.7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो इट विल कम एज 0.85। हाइड्रोमीटर में हमारा जो मेनिस्कस करेक्शन है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा डिस्पर्जन करेक्शन है प्लस माइनस में है, ठीक है, और ये हमारा जो
डिस्पर्सिंग एजेंट आप डाल रहे हो उसका करेक्शन माइनस में होगा। यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन जो होगी, जो एक रीडिंग आई और करेक्टेड रीडिंग हमारी, करेक्शन अप्लाई कर दिया आपने सारे तो उससे निकल आया, तो ऑप्शन ए हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रेन साइज कर्व पूछा है और हाइड्रोमीटर एनालिसिस किया है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए आएगा। इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं जो ग्रेन साइज कर्व है, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 0.033 mm, यहाँ पर डायमीटर निकाला है हाइड्रोमीटर एनालिसिस से, या आपने सभी ने पढ़ रखा है इसका, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर। तो यू कैन सी कि 0.033 mm हमारा डायमीटर साइज है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इस परसेंटेज फाइनल साइज जो है इस साइज से वो हमारे 78.6% है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे साइज और परसेंटेज फाइनर देन दिस साइज, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में हमारा जो ये वाला पैरामीटर है ये W1 हो जाएगा, ये पैरामीटर हमारा W2 हो जाएगा, ये पैरामीटर हमारा W3 हो जाएगा, ये पैरामीटर हमारा W4 हो जाएगा। तो हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अब सभी ने पढ़ रखा है, इट इज एक्सप्रेस डेस W2 माइनस W1, W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। इसमें सारी वैल्यूज जो W1 W2 की वैल्यूज दी हैं इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट 2.57 एज द करेक्ट आंसर। उसके बाद करमान को कोजनी करमान इक्वेशन से जो आपकी परमिलिटी इक्वेशन निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी परमिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E³/E। इसमें और सारे फैक्टर्स रहते हैं, विस्कोसिटी हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, पोर साइज हो गया, उसका शेप हो गया पार्टिकल्स का, बट इरेस्पेक्टिव ऑल द पैरामीटर्स कीपिंग द सेम तो हमारी जो परमिलिटी है वो आपकी निकल के आ जाएगी K1 K2 का रेशियो होगा तो E³ मल्टीप्लाइड बाई 1+E² अपॉन 1+E₁ E₂³। यहाँ पे E₁ की वैल्यू आपकी दी हुई है, दिस इज E₁ और वाइड रेशियो चेंज हो गया हमारा 0.72। इसकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट करेक्ट आंसर एज 0.022 cm². ठीक है, तो K₂ की जो वैल्यू है वो आप निकाल लोगे, K₁ मल्टीप्लाइड बाई 0.022 आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 0.022 आएगा। यहां पर हमारे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं MV, CV और गामा W, ये यूनिट वेट है। क्ले लेवर हमारी डबल ड्रेनेज है, 8 मीटर की थिकनेस है, अल्टीमेट सेटलमेंट निकालना है और एक्सेस लोड हमारा 100 kN/m². तो डेल्टा सिग्मा एफ दिया जो है वो 100 दिया है, H की वैल्यू है जो इनिशियल डेप्थ है वो हमारी 8 मीटर दी हुई है और हमें डेल्टा H निकालना है। तो वी नो कि हमारा डेल्टा H/H जो होता है दिस इज डेल्टा E अपॉन चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1+E₀। तो आपका जो ये पैरामीटर है MV दिस इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा E अपॉन 1+E₀ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा सिग्मा। तो बेसिकली ये वाला जो पैरामीटर है इसको अगर हम मान ले y है तो ये पैरामीटर y बाई डेल्टा हो जाएगा, तो y जो है वो MV हो जाएगा, तो y जो है वो 10⁻⁴ था मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, ये तो 10⁻²² हो गया, तो 10⁻²² आप रख दोगे मल्टीप्लाइड बाई h वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इट विल कम एज 0.08 meters। तो यहाँ पे और भी डाटा देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 0.08 meters हो जाएगा। उसके मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे प्रेशर मीटर टेस्ट से हम मेनार्ड्स मॉडुलस पैरामीटर निकाल लेते हैं। SPT में हम नंबर ऑफ ब्लोस का कंसेप्ट यूज करते हैं, SCPT में स्किन रेजिस्टेंस निकालते हैं और अनड्रेन्ड पोजीशन वेन रेशियो टेस्ट से निकालते हैं। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे स्टम्पटन पोर प्रेशर के लिए हमारा जो डेल्टा यू है बी, ये वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट इक्वेशन होगी, आप सभी ने पढ़ रखी है। एक क्ले लेयर है 5 मीटर थिक है, फील्ड में 300 दिन लगते हैं उसको 50% कंसोलिडेशन में, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप डबल ड्रेनेज है, ठीक है डबल ड्रेनेज है, और सेम
अगर लेयर है हार्ड रॉक में हो जाएगी, यानी डबल रॉक लगाते ही ये सिंगल लेयर सिंगल ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। तो देन टाइम टेकन टू अटेन 50% कंसोलिडेशन जो होगा टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर होता है। डी यहां पर हमारी थिकनेस है डिपेंडिंग अपॉन द ड्रेनेज लेयर। तो हमारी इनिशियल अगर हम मान ले डबल ड्रेनेज में थिकनेस हमने एच ली थी, ठीक है, तो h बाई टू बेसिकली डबल ड्रेनेज हो रहा था, तो हमारी जो शॉर्टेस्ट पास था वो h बाई टू हो गया। अगर टोटल थिकनेस h थी तो यहाँ के केस में हमने h बाई टू ली, और यहाँ के केस में सिंगल ड्रेनेज के केस में h ली। तो जब आप सॉल्व करोगे विल गेट t2 टू इज इक्वल टू टी वन इंटू फोर आ जाएगा, कीपिंग tv और cv कांस्टेंट रखने, यानी चार गुना ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हमारा सिंगल ड्रेनेज हो जाएगा। तो फोर से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्शन ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज टू रिड्यूस दी अलाउबल लोड। निगेटिव फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो लोड के डायरेक्शन में हमारा स्किन फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो इट विल रिड्यूस दी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल बाई रिड्यूसिंग द अलाउबल लोड कैरिंग कैपेसिटी। एक स्क्वायर फुटिंग है इज रिक्वायर टू कैरी अ नेट लोड ऑफ 1200 न्यूटन। साइज ऑफ फुटिंग निकालना है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 2 मीटर है, टॉलरेबल सेटलमेंट 40 mm है, और सैंडी सॉइल है, एन वैल्यू 13 दिया है, और वाटर वेरी डीप है। तो वाटर डेप्थ का करेक्शन फैक्टर आप 1 लोगे, और यहाँ पे आप टैंक्स इक्वेशन का यूज करोगे। ये ES का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आई विल शेयर दिस सोल्यूशन। ये हमारी बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये टैंक्स इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आपको छोड़ देने चाहिए, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इन दिस ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ डाल दिए जाते हैं, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना। 2.6 मीटर है, तो नियरेस्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर फुटिंग थी, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 450 mm की स्क्वायर फिटिंग है, स्क्वायर पाइल है, ठीक है, और लेबोरेटरी टेस्ट किया, इसकी लेंथ दी है 15 मीटर, अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ आ गई 75, तो सी यू जो होगा वो 75/2 हो जाएगा, यानी 37.5, ठीक है। एन सी की वैल्यू 9 है, अल्फा एडिशन फैक्टर की वैल्यू 0.8 है। तो यहाँ पर जो पैरामीटर आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, तो सी यू बी एन सी ए बी प्लस अल्फा जो हमारी स्किन फ्रिक्शन की कैपेसिटी और सरफेस एरिया है, तो सी यू हमारी 37.5 हो गया, एन सी 9 है, बियरिंग एरिया जो होगा स्क्वायर है तो 0.45 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0.8 है, सी यू की वैल्यू 37.5 है, सरफेस एरिया आपका जो होगा वो 4 टाइम्स दी साइड डायमेंशन इन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 878 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिशन कर्व्स अप टू 9 डिग्री, जनरली क्यूबिक पैराबोला में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो यूनिफॉर्म रहता है। करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी कह सकते हैं हम। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाई सिंपल बॉइलिंग। तो हमारी सिंपल बॉइलिंग का मतलब है परमानेंट हार्डनेस, कि जो आप परमानेंट हार्डनेस नहीं रिमूव कर सकते हो, ऐसी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। तो सल्फेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, कैल्शियम के नाइट्रेट्स हो गए, मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स हो गए, ये हमारे परमानेंट हार्डनेस कॉज करेंगे, एंड दे कैन नॉट बी रिमूव बाई सिंपल बॉइलिंग। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसे एलिमेंट्स जो हम हार्डनेस सिंपल बॉइलिंग से नहीं रिमूव कर सकते, तो इसको नहीं रिमूव कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, कैल्शियम के कार्बोनेट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन 5 नहीं होगा, यानी 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन जिसने अच्छे से पढ़ा है वो कर सकता है, ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। CBR मेथड ऑफ डिजाइन, CBR टेस्ट हमारा IRC 37 के अकॉर्डिंग केवल रिमोल्डेड सॉइल्स पे करते हैं, इन सीटू टेस्ट हम साइट पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज नॉर्मल फ्लो दिया हुआ है क्रॉस रोड्स पे, और सेचुरेशन ट्रैफिक दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल रेड टाइम भी दिया है 2 सेकेंड्स, कैलकुलेटेड ग्रीन टाइम ए के लिए जो ग्रीन टाइम दिया है वो 22.5 सेकेंड दिया है, और बी के लिए रोड के लिए 29 सेकेंड्स दिया है, ठीक है। तो जो आपका साइकिल लेंथ होती है बेसिकली, दिस इज टेकन एज इफेक्टिव ग्रीन टाइम
प्लस लॉस्ट टाइम, ठीक है। तो लॉस्ट टाइम में बेसिकली आपका रेड टाइम आएगा और एम्बर टाइम आएगा, तो सी नॉट आपको निकालना है। ग्रीन टाइम आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को इफेक्टिव ग्रीन टाइम को आप ऐड कर दोगे तो विल गेट 51.5। अब लॉस्ट टाइम आपको नहीं पता है, लॉस्ट टाइम आपको निकालना है, दो फेज का हमारा सिग्नल है, तो लॉस्ट टाइम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 2n प्लस r लिखते हैं। तो r इज बेसिकली रेड टाइम, रेड टाइम आप देख रहे हो 2 सेकंड्स दिया है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट। एक्चुअली यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, ये भी मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहां से फ्रेम किया गया है। और एम्बर टाइम हमारा 2 सेकंड्स है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अगर आप 6 रखोगे तो 56.7 आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। और जैसे ही आप ये 12 सेकंड रखोगे तो ये 16 सेकंड आएगा, 16 सेकंड आप रखोगे तो आपका 67.5 आएगा। तो आप देख लीजिएगा जब आंसर की आएगी तो इन्होंने आंसर ऑप्शन सी दिया होगा, ठीक है, बट 2 सेकंड के हिसाब से इसमें नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो अगर आपको मौका मिलता है, नो ऑप्शन इज करेक्ट एज पर गिवन डाटा, ठीक है। इसका रेफरेंस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ऑल रेड टाइम हमारा 12 सेकंड दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 0 से 2 सेकंड और 0, ये 2 सेकंड हमारा हर फेज में है, तो 2 इंटू 10 हमारा ये वाला लॉस्ट टाइम हो गया और ये रेड टाइम हो गया और ये ग्रीन टाइम हो गया। आप देख रहे हैं 33 से 68, ठीक है, ये टोटल 68 सेकेंड्स का हमारा 67.5 का हमारा टोटल साइकिल टाइम बन रहा था, ये ग्रीन टाइम आप जोड़ोगे तो इट विल कम एज 50, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में, हमारा रिंग बॉल टेस्ट फॉलो करते हैं, पेंस्की मार्टिन जो टेस्ट है, ये हमारा फ्लैश पॉइंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटुमिन कंटेंट, हमें एक बिटुमिन कंटेंट के लिए ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट निकालना है। तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे जिसमें बताया था मैंने कि ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट जो है वो 3 बिटुमिन कंटेंट का एवरेज होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी दे रहे हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा मैक्सिमम यूनिट वेट आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम यूनिट वेट वर्ड यूज करना चाहिए, या फिर ऐसा बिटुमिन कंटेंट जिसके करस्पॉन्डिंग आपका 4% एयर वॉइड्स मिल रही है। तो आपको बेसिकली इन तीनों का एवरेज कर देना है, 5.4% प्लस 6% प्लस 5.7%, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे एवरेज तो आपका 5.7 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉटर बॉर्न डिसीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन सबकी वजह से होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सर्विस कनेक्शन में हमारा प्राइमरली फेरूल, स्टॉपकॉक और गूजनेक आते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। फॉर्मेशन फॉर बीओडी एसिमिलेशन इज बेसिकली द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द बीओडी रेट कॉन्स्टेंट, अगर स्ट्रीटर फेल्प सिचुएशन आप देखोगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम में, आप देखते हो कि हमारा मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो सपोर्ट्स में होता है, इस वजह से यहाँ डिफ्लेक्शन हमारा जीरो होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहां पर हमारा स्लोप जीरो होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ डिसीज बैक्टीरिया, बेसिकली जो पैथोजेनिक बॉडीज हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको मारने के लिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इज बेसिकली एडसॉर्बेंट एंड बीइंग यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑडर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आई होप जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।